उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों अवध विश्वविद्यालय में फाइनली बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एमएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बैक पेपर फॉर्म यानी कि जिनका पेपर 2022 में हुआ था, अगर वो किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हों, एक सब्जेक्ट छूट गया हो या एक सब्जेक्ट में नंबर कम हो, उसे इम्प्रूव कराना चाहते हैं, तो आप सबके लिए सुनहरा मौका आ गया है क्योंकि अवध विश्वविद्यालय ने फाइनली आपके लिए बैक पेपर फॉर्म रिलीज़ कर दिया है और यहाँ से आप बैक पेपर फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं आपको स्टेप समझाता हूँ कि कैसे आपको बैक पेपर फॉर्म भरना है। बहुत ही आसान सा तरीका है। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कुछ इस प्रकार से आएंगे, आपको क्लिक करना था जैसा कि मैंने बताया एग्जामिनेशन फॉर्म पे, और ये वाले लिंक पे आके आपको यहाँ पे वेट करना है। ठीक है, ये देखिए ये जो पोर्शन है ना इसी पे आएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा कहते हैं इंतज़ार। ठीक है, इंतज़ार करना चाहिए कभी कभी। फिर हम यहाँ पे देखेंगे आप धीरे 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 वो आएगा जहाँ से हमें बीएड और एमएड के बैक पेपर फॉर्म, ये देखिए आ गया, लो वो आ गया, ये देखिए ये आया ना, ये वाला पोर्शन करेंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा आपका। यही से आप बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई असुविधा होती है तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, जिस नंबर पे कभी आंसर नहीं किया जाएगा, वो नंबर हमेशा बिजी रहता है, असुविधा नहीं होगी। तो यहाँ पे आप क्लिक करिए, यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म पे जाइए। अगर आपको बीएड का फॉर्म भरना है तो आप अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करिए, और अगर आपको एमएड का फॉर्म भरना है तो एमएड का फॉर्म। ओके, तो बड़े आसान सा तरीका है, बस कुछ नहीं करना है हमने। चलिए बीएड सेकेंड ईयर का मैं एक बैक पेपर फॉर्म भरता हूँ। आ गया मैं यहाँ पे बीएड पे, सिलेक्ट कर लेते हैं बच्चों कोर्स नेम तो बैचलर रहेगा। उसके बाद हम कौन से ईयर का, अगर आप फर्स्ट ईयर भरना चाहते हैं तो पार्ट वन, सेकेंड ईयर भरना चाहते हैं तो पार्ट टू क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे डाल दीजिए अपना रोल नंबर। आइए हम रोल नंबर डाल लेते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे रोल नंबर फिल कर दिया है। सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं बच्चों, और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं, जैसे आप सबमिट पे क्लिक करें बच्चों, इस तरीके की आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल क्या है, आपको सबसे नीचे आ जाना है। जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे बच्चों तो नीचे आपके सब्जेक्ट्स दिखाई देंगे, आपको किस सब्जेक्ट्स में बैक पेपर फॉर्म भरना है। अगर मान लीजिए आप बीएड यहाँ आपको नीचे आपके सब्जेक्ट्स के नाम दिखाई देंगे कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स में बैक पेपर का फॉर्म भरना है। तो ये रहे सेकेंड ईयर के पेपर वन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एनवायरमेंटल स्टडीज असेसमेंट ऑफ लर्निंग और कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। तो आप में से जिस भी सब्जेक्ट का बैक पेपर भरना है ना, उसको यहाँ पे आप टिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आप टिक कर देंगे, किसी एक सब्जेक्ट को आप बैक पेपर के रूप में भर सकते हैं। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे। अब अगर आप मान लीजिए दो पे सिलेक्ट करके सबमिट करते हैं तो आप देखेंगे ऊपर आपको क्या लिख के आ रहा है, यू कैन सेलेक्ट ओनली वन पेपर इन सब्जेक्ट फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो केवल आप एक सब्जेक्ट को यहाँ पे दे सकते हैं बैक पेपर का फॉर्म। तो इस प्रकार से आप सबमिट करके फीस पेमेंट कर दीजिए, फीस पेमेंट करते ही खत्म, फिर आपका वो पेपर डाउनलोड हो जाएगा और आप बैक पेपर का फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो जिस भी नंबर में, जिस भी विषय में आपका कम नंबर लगता है, आप उसको बैक पेपर यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में बिल्कुल सेम प्रोसेस है, ऐसे ही आपको फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरना है। जैसे दोबारा से यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्लिक करना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको डायरेक्ट वहीं से मिल जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद अगर आप फर्स्ट ईयर का बैक पेपर फॉर्म भरना चाहते हैं तो कोर्स में आप अंडर ग्रेजुएट रख लीजिए, और कोर्स नेम में बैचलर ऑफ एजुकेशन रहेगा नो डाउट। फर्स्ट ईयर में आके आपको पार्ट वन कर लेना है, और रोल नंबर आइए हम डाल लेते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे डाल दिया है रोल नंबर, और रोल नंबर के बाद हम यहाँ पे सबमिट कर लेते हैं बच्चों। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी, आपको स्लाइड करके नीचे की तरफ आ जाना है, और नीचे अगर आप देखेंगे तो आपके पूरे पाँचों सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हैं। तो जिस विषय में आपका कम है, किसी एक विषय पे यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी एक विषय में आप यहाँ पे बैक पेपर फॉर्म दे सकते हैं। यहाँ पे किसी एक पेपर पे सिलेक्ट करने के बाद सबमिट कर लीजिए, फिर फीस पेमेंट करिए, काम खत्म। अगर मान लीजिए इनके साथ एक से दो में करना चाहते हैं सबमिट करेंगे तो क्या लिख के आएगा, यू कैन सेलेक्ट ओनली वन पेपर इन सब्जेक्ट ऑफ फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। तो केवल एक ही पेपर में आप इम्प्रूवमेंट या बैक पेपर फॉर्म दे सकते हैं, और इस तरीके से आप अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं ये कर दूं कि कौन से बच्चों को बैक पेपर फॉर्म देना चाहिए। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपका नंबर बहुत कम है और बैक पेपर देने के बाद से आपके परसेंटेज कुछ बढ़ जाएंगे, उस स्थिति में दीजिए। अगर 78%, 79%, 80% है तो ऑलरेडी बहुत अच्छा परसेंटेज है, यहाँ पे बैक पेपर जाने के लिए कोई बहुत ज़रूरी नहीं। इससे बेहतर आप सी टेट में तैयारी कर लें, यूपी टेट में तैयारी कर लें, सुपर टेट की तैयारी कर लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अगर बहुत कम नंबर लगता है आपको, 40 आ गया, 45 आ गया, या उससे भी कम आ गया, तो आप जाइए
60, 65 या 55 या 50 इन सब बच्चों के लिए अवॉइड कर सकते हैं, मगर फिर भी आपकी इच्छा। एक और चीज़ बता दूं, बैक पेपर देने से कोई नुकसान नहीं है, नंबर बढ़ता है, बहुत सारे बच्चों को बढ़ता है। मेहनत करिए, अच्छे से करिए, एक पेपर है, जम की तैयारी करिए और पढ़ डालिए और बैक पेपर दे दीजिए, ठीक है। तो निश्चित एक डिसाइड कर लीजिए, देना है नहीं देना है, देना है तो दे दीजिए, बस काम खत्म, नहीं देना है तो बस खत्म, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जिन बच्चों को बैक पेपर देना है। आशा करते हैं कि उस दिन हम शायद सेंटर पर मिले, क्योंकि सेंटर आपका कहाँ रहेगा, अवध विश्वविद्यालय का IIT कैंपस रहेगा, तो हो सकता है हमारी मुलाकात हो जाए उस दिन। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं आपके दिन अच्छे चल रहे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत साथी।